जी वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं इतिहास पाठ पुस्तक आधुनिक इतिहास में अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 4 का नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, झूम खेती को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग खाली स्थान या रिक्त स्थान भी भरेंगे। घुमंतु खेती, वह खेती जो घूम घूम कर की जाती हो, यानी कि जंगल के एक हिस्से को साफ करके उसमें खेती की जाती थी और फिर वहाँ से फसल उपजने के बाद उसे काट कर फिर उस जमीन को वापस छोड़कर दूसरी जमीन को काट कर फिर से करते थे। तो इसे बोलते थे घुमंतु खेती। खा है, मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण खाली स्थान का प्रचलन था। तो वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। वस्तु विनिमय क्या होता था बच्चा? पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पहले वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। मान लीजिए किसी को दूध की आवश्यकता है और किसी को चावल की आवश्यकता है, ठीक है? तो दूध, यदि दूध वाले व्यक्ति को चावल चाहिए तो वह चावल ले लेगा उससे, और चावल वाला व्यक्ति से दूध ले लेगा। तो इसमें एक दूसरे से ये वस्तु का विनिमय होता था। गा है, चरवाहे के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते हैं। तो चरवाहे किसके अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते हैं? तो वे मौसम के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते हैं, ठीक है? घा है, आदिवासी इलाकों में रिक्त स्थान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आदिवासी इलाकों में मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह हम लोग भरेंगे मुखिया। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इन चीज़ों को नोट किया होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। का, झूम खेती का क्या महत्व था? तो झूम खेती के बारे में हम लोग को लिखना है। हम लोग लिखेंगे, आराम से आप लोग पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नोट करोगे। इस पे लिखना है, झूम खेती एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर की जाती थी। जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे राख को जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वह कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को जोतने के बजाय खुरद देते थे और बीज रोपने की बजाय बस उसे खेत में बिखेर देते थे। एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काटकर वह दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। ये आपको लिखना है। देखिए, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जिस तरह का लिखा है, जो मैंने शब्द लिखे हैं वही शब्द एक एक शब्द नोट करो, नहीं। आपको सिर्फ समझ लेना है झूम खेती होती क्या है वास्तव में। देखिए, जंगल के एक हिस्से को साफ काट करके, जैसे जंगल का एक हिस्सा है वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, तो पेड़ पौधा से जमीन पर धूप नहीं आएगी, तो पेड़ पौधा को पहले छांट लिए, जमीन को साफ कर लिए, दो प्रोसेस हो गया। थर्ड में क्या करते थे? कुदालों से जमीन को खुरेद देते थे, जोतते नहीं थे, खुरेद देते थे, और जो बीज होते थे उसे रोपने के बजाय बस छिड़क देते थे। बस कुछ महीनों के बाद फसल तैयार, फसल को काटे, वहाँ से जमीन को छोड़कर दूसरे स्थान पर नई जमीन में चले दिए। इसी को झूम खेती करते थे। कुछ भी रटना नहीं है आपको, बस अपने से समझना है, उससे लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो लिखेंगे, काश्तकारों को बसाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहले लिखेंगे इसमें कि ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी होती थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के सब एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। इसके अलावा अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियंत्रित या फिर नियमित स्रोत भी चाहते थे, ठीक है? इसलिए हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर में, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। गा प्रश्न,
महाजनी प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे, लोगों को उसकी आर्थिक स्थिति देखकर महाजन कर्ज देते थे, इसे ही महाजनी प्रथा कहते थे। झारखंड में शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता श्रेणी में बिरहोर तथा कौरवा प्रमुख थे। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उसे हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीदनी पड़ती थी। इस वजह से वह कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमतों पर चीज़ें बेचते थे। क्या होगा? बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्ज तो देते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। ये आपको लिखना है। यह प्रश्न है, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें लिखेंगे, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं पद्दाई महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था। ये आपको लिखना है। अंगा प्रश्न, तो पांचवा प्रश्न है, खरवार विद्रोह क्यों हुआ था? लिखेंगे, 1857 में हजारीबाग तथा रांची में हुए विद्रोह की खबर से पलामू में भी प्रतिक्रिया हुई। चेरों, खरवार तथा भोक्ताओं ने भी विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लिया। भोक्ता समाज के नीलांबर और पीतांबर ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए शाहपुर थाना पर आक्रमण किया, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। पलामू के सभी क्षेत्र पर विद्रोहियों का कब्जा होता जा रहा था। ये आपको लिख लेना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लास पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो बच्चा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए आप लोग इन चीज़ों को एक दो बार रिवीजन कर लेना। थैंक यू।